बड़ी मशक्कत के बाद मुझे ये फ्रेम मिला, ये एंगल मिला जहाँ मैं कैमरा प्लेस कर पाया, वरना हर जगह तो मौसम की मेहरबानी से चिपचिपाहट, गीलापन और बारिश की बूंदें हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर होते तो आप बस इतना कहते कि यही जन्नत है। बाकी अगर व्यू देखना है मेरे पीछे का, ऐसा है, थोड़ा और डिटेल में दिखाते हैं। हाँ, तो पहले शुरुआत करता हूँ अपने स्टे से, मतलब मैं रह कहाँ रहा हूँ, आज की रात बीतेगी कहाँ। तो मेरी रात बीत रही है श्री गजानन संस्थान में, लेकिन कहने को बस ये संस्थान है और मेरे हिसाब से तो ये 3-स्टार होटल है। और इस संस्थान के थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर ये गेट है, इस गेट से 500 मीटर आगे श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जो कि शंकर भगवान का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ठीक है, 500 मीटर पीछे आइए, पहले अभी इस संस्थान के बारे में आपको बताता हूँ कुछ। तो यहाँ से उस तरफ पीछे कार निकल रही है, ये है इसका मेन गेट, तो आइए। मेन एंट्रेंस से तुरंत घुसते ही राइट साइड में है पार्किंग एरेना, और पार्किंग के लिए भी काफी जगह है। जब काफी भीड़ इकट्ठी होती है उसके लिए भी व्यवस्था है, उसके लिए भी इंतजाम भली भांति किए गए हैं। फिर और आगे चलेंगे जहाँ पे रूम्स मिलते हैं, जहाँ पे रिसेप्शन है, तो ये एक और मिनी गेट मिलता है हमें, और इसके आगे हमें पैदल जाना होता है। व्हीकल्स आर नॉट अलाउड बिकॉज देयर इज पार्किंग एरेना। मिनी गेट के जस्ट आगे ये बहता हुआ वाटर फ्लो है, मतलब है तो नाला लेकिन चार चांद लगाता है खूबसूरती में इस होटल के। दिन का वक्त होता तो आनंद आ जाता, लेकिन लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी है। और वो जो फॉगी एरिया दिख रही है, दरअसल वहाँ पे हैं ढेर सारे पहाड़ जो कि हमारे बहुत ही नज़दीक हैं, लेकिन रोशनी कम होने की वजह से दे आर नॉट विजिबल। ठीक है, उनको कल सुबह दिखा दूंगा। और एकदम चुम्मा व्यू है, चुम्मा। थोड़ा सा और आगे आने पर लेफ्ट साइड में है ये बिल्डिंग जिसके अंदर है रिसेप्शन, और राइट साइड में है एक रेप्लिका, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रेप्लिका, और इस आश्रम के अंदर ही बना हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये सफ़ेद रंग में है और भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर का मंदिर काले रंग में है, द टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल ब्लैक। फिर मंदिर से अगर और आगे जाएंगे तो आगे पड़ेगा भोजनालय, जो कि सिर्फ 40 रुपये में भरपेट खाना खिलाता है, जितना भी खाना हो, और फूड क्वालिटी इज अमेजिंग मीन्स अमेजिंग। और उधर जाके आपको दिखाना मैं ज़रूरी नहीं समझता, बट माई फ्रेंड्स आई एम वेटिंग फॉर मॉर्निंग ताकि मैं आपको व्यू दिखा सकूं। और साला मतलब अंधेरे में खूबसूरती कैमरा जज नहीं करेगा अच्छा। द परफेक्ट टाइम टू शो द व्यू इज जब सनलाइट पड़े तुरंत। यह है लैम्प जिसके नीचे हम, जिसे एज अ इमरजेंसी लाइट हम यूज कर रहे हैं अपने व्लॉगिंग के लिए। अंदर जा रहा हूं लेकिन फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, सो आई कांट शो यू, रूल्स आर रूल्स। मंदिर के अंदर तो कैमरा यूज ना कर पाया, लेकिन मंदिर के अंदर भी अपनी एक दुनिया है, अलग सी एक दुनिया। और मैं सही समय पहुंचा, आरती होने ही वाली थी, मैंने आरती का आनंद उठाया, और व्हाट अ पॉजिटिव वाइब इज कमिंग नाउ। मतलब ऐसे ही वीडियो अच्छी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अंदर से फील कर रहा हूँ, माई हार्ट कैन फील। ओहो, इंग्लिश इज कमिंग, नॉट बैड। वैसे मैंने स्लीपर्स डाले हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये चिपचिपी मौसम, क्योंकि ये बारिश भरे चिपचिपे मौसम में मेरे शूज़ ख़राब हों, कीचड़ धूल मिट्टी कीटाणुओं से रूबरू हों। बाकी सब बढ़िया है, और सुबह तक का वेट करिए,
जो नज़ारे होंगे ना, वो नज़ारे हमारे होंगे। बरसात हो रही है, बारिश तेज़ हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन ये शॉट लेने के लिए मैं बाहर आया हूँ। तो मैं कहने वाला था कि ऐसा मौसम इलाहाबाद में क्यों नहीं है, ऐसा मौसम त्र्यंबकेश्वर में क्यों है? क्यों? क्योंकि ये त्र्यंबकेश्वर है और वो इलाहाबाद है। और अगर इस ब्लॉग को पिछले ब्लॉग से कंपेयर करें तो इसकी स्टार्टिंग उतनी सिनेमाटोग्राफी भरी नहीं थी, क्योंकि आई वॉज लेट इन द सेंस। आज है डे टू इस ट्रिप का और पहले कैमरा एंगल चेंज करते हैं। और डे वन में हमने सिर्फ ट्रैवलिंग की है, चाहे वो ट्रेन की हो, चाहे वो टैक्सी की हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा की हो। और डे टू में हमने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए हैं, लेकिन कैमरा मोबाइल फोन्स वर नॉट अलाउड, सो आई वाज नॉट एबल टू कैप्चर। और हमारा प्लान था शाम को निकल कर त्र्यंबकेश्वर की मार्केट और मंदिर भी आपको बाहर से दिखाने का प्लान, लेकिन सब चौपट कर दिया किसने? ये वेदर। भले ही वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन इस कंटेंट के चार चांद को इस वेदर ने छीन लिया। वाह वाह, क्या बात बोली है। अब आप कहेंगे कि ड्रेस में अभी तक चिड़िंग का इक्का ही क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हमारे ईंट का इक्का जो है वो बारिश में भीग गया और हम उसके बाद दूसरे इक्कों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिर से चिड़िंग का इक्का ऐन मौके पर काम आया। आखिर सस्पेंस में जो मज़ा है वो हर जगह नहीं है। अच्छा, व्यू ठीक ही था कैमरे। वैसे तो त्र्यंबकेश्वर की सारी हाइलाइटेड जगहों को हम विज़िट कर चुके थे, लेकिन बारिश और फोटोग्राफी शूटिंग अलाउड ना होने की वजह से दिखा ना सके। और अब हमारा प्लान है शिरडी जाने का, जो कि त्र्यंबकेश्वर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी अच्छी जगह है। तो त्र्यंबकेश्वर से मैं अब जा रहा हूँ शिरडी और रास्तों के नज़ारे कुछ इस कदर हैं। गणपति विसर्जन कब है? अभी 11 तारीख को है ना? 11 तारीख 12 को है, 12 को, 12 को, हाँ 2 तारीख को बैठा ना, हाँ 12 तारीख को रहेगा। कल से बारिश लगातार हो रही है, उधर हल्का बारिश चालू है, अभी नासिक में उधर हम का हाथ से बारिश आ रहा है, बारिश बारिश त्र्यंबकेश्वर में बारिश चालू है, मतलब बहुत पहले से। त्र्यंबकेश्वर से नासिक 42 किलोमीटर का सफर किडनैप वैन मारुति ओमनी में करने के बाद हमने बुक की इनोवा। और भैया, कंफर्ट के साथ साथ नेचर्स के जो जो सीन्स हुए हैं ना, सारे पैसे इसी के हैं।
आप अगर कार में हैं और बाहर छमछम बारिश हो जाए तो पूरा माहौल ही बन जाता है। सब कुछ इतना आनंद फानन में हुआ कि व्लॉग नहीं कर पाया मैं, और अभी मैं ठहरा हुआ हूँ साईं आश्रम में। इस आश्रम को भी मैं बहुत जल्द एक्सप्लोर करूँगा, मतलब अगले वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ सिग्नापुर, जो कि एक शनि भगवान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पे है। भैया अगर मज़े ना आए ना तो पैसे वापस।